कर्नाटका में चल रहे हिजाब मामले को बढ़ता देख गुलबर्गा शहर के मदरसा जियाउल उलूम में लियासत बागबान की सदारत में एक मशवरती इजलास रखा गया था, जिसमें कई सियासी गैर सियासी लीडर्स एडवोकेट उलमाए इकराम सोशल एक्टिविस्ट और दीगर कई लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने हिजाब मामले पर अपना मशवरा देते हुए कहा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखते हुए मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है। हिजाब इस्लाम का एक बुनियादी हिस्सा है और मुस्लिम खवातीन हिजाब से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। और इस मीटिंग के जरिए कहा गया, हिजाब तो बस एक बहाना है, बीजेपी आरएसएस के लोग यूपी इलेक्शन के चलते हिजाब के नाम पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। और जिस तरह से एबीवीपी आरएसएस वीएचपी के गुंडे कॉलेज कैंपस में भगवा शॉल पहनकर माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस हिसाब से आने वाले दिनों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हिंदू मुस्लिम दंगे होने के अंदेशा नज़र आ रहा है। तमाम लोगों के मशवरों के बाद इलियासेट बागबान ने कहा, यह इमरजेंसी मीटिंग रखी गई थी। कुछ दिन बाद दोबारा दीगर सियासी गैर सियासी लीडर सोशल एक्टिविस्ट उलमा इकराम और तमाम दानिशमंद लोगों को साथ लेकर एक कुल जमाती कमेटी तैयार की जाएगी, जिसके ज़रिए ऐसे मामलों पर मिलकर काम किया जाएगा। आज दोपहर में मैं और कुछ उलमा और कुछ दानिश्वर सब बैठे थे, तो ये जो हिजाब का मसला चल रहा है और कई इशू हैं, उस सिलसिले में कुछ लाए अमल बनाए आगे के लिए, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं और मेमोरेंडम भी दे रहे हैं, काफ़ी जो है इंतशार की कैफियत चल रही है पूरे स्टेट में। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ शहर के इंटेलेक्चुअल्स को या दानिश्वरों को, शहर के जिम्मेदारों को बुलाकर एक राय मशवरा लिया जाए, आगे के लिए गुलबर्गा में भी माहौल ख़राब ना हो। अगर माहौल ख़राब होता है तो उसको किस तरह से हम कंट्रोल करें, आगे के लिए क्या लाएं अमल बनाएं, इसके लिए कुछ शहर के जिम्मेदारों को बुला के बात की जाए, ये तय हुआ। तो अचानक आज ही हम लोगों ने जो है कुछ लोगों को जो भी बुला, जिसको जिसको भी बुला सकते थे उनको बुला के हमने एक मीटिंग ली है, और बहुत से लोग मिस हुए हैं और बहुत जल्द दूसरी एक मीटिंग भी ली जाएगी। उसके अंदर जो है जो लोग छुटे हुए हैं आज, जो नहीं आ सके, जो हम बोल नहीं सके, वो लोगों को भी जो है दोबारा और एक मीटिंग में बुलाया जाएगा। आज की मुख्तसर से अचानक जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये तय हुआ कि एक एडहॉक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद में फिर एक हमेशा के लिए भी एक कमेटी बने शहर के अंदर, कि जब भी माहौल यहाँ पे बिगड़ता है तो कमेटी का काम है कि वो आगे बढ़ के एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में जो है उसको मसले का हल निकालें। इसमें ये आज तय हुआ कि एक इजलास किया जाए, कुछ अच्छे बड़े उलमाओं को बुलाकर एक इजलास करें और डीसी से और कमिश्नर से उनके पास जाकर उनके साथ बैठकर एक मीटिंग की जाए, ताकि उड़पी का और कई जगह दूसरे शहरों में माहौल जो ख़राब हुआ है, गुलबर्गा में भी वैसा माहौल ख़राब ना हो। इसके लिए बहुत जल्द एक डीसी के साथ हम मीटिंग करेंगे और पुलिस कमिश्नर साहब के साथ भी एक मीटिंग करेंगे, करके जो है यहाँ के माहौल के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, ताकि आगे यहाँ पे माहौल ख़राब ना हो। और दूसरी मीटिंग इतवार के दिन बाद जोहर के फिर दोबारा यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, और जो लोग छुटे हैं उनको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। आज की मीटिंग में इतनी चीज़ें तय हुए हैं।